नमस्कार, आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल, राउरकेला स्टील प्लांट के मिल जोन को ग्रुप निष्पादन पुरस्कार प्रदान। सेल, राउरकेला स्टील प्लांट सिलाई प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्वास कॉलोनियों को 20 महिलाओं को सशक्त बनाया। सेल, आरएसपी के स्पात जनरल अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की गंभीर ऑर्थोपेडिक सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न। आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री निताई पालित। अब समाचार विस्तार से। सेल, राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के गोपबंधु ऑडिटोरियम में आयोजित वार्षिक निष्पादन समीक्षा एवं पुरस्कार वितरण समारोह में कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी और कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के सतपति ने राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के विभिन्न विभागों को विशेष कार्य निष्पादन के लिए ग्रुप निष्पादन पुरस्कार प्रदान किया। मिल्स जोन से ग्रुप परफॉर्मेंस अवार्ड ट्वीन ड्राइव लोअर मोटर के आर्मेचर के प्रतिस्थापन के लिए प्लेट मिल DSTS मेन ड्राइव की हाइड्रोलिक ब्रेक यूनिट की मरम्मत के लिए नई प्लेट मिल हॉट स्ट्रिप मिल एक को कॉइल और कन्वेयर केबिन में पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम की कबलिंग हॉट स्ट्रिप मिल दो उत्पादन का व्यवसायीकरण के लिए हॉट स्ट्रिप मिल दो 0.4 मिलीमीटर गेज मोटाई GPGS के उन्नत उत्पादन के लिए कोल्ड रोलिंग मिल पाइप प्लांट को पाइप कोटिंग प्लांट का पुनरुद्धार और NTPC से 27 किमी के ऑर्डर के निष्पादन के लिए दिया गया। सेल, राउरकेला स्टील प्लांट के पार्श्वांचल विकास संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में रीसेटलमेंट कॉलोनियों जैसे लच्छड़ा, हाथीदशा, जयगेड़ा, लायंग झीरपानी, मंडा मुंडा और झंडा पहाड़ आरएस कॉलोनियों की 20 महिलाओं को सिलाई के विभिन्न बारीकियों से प्रशिक्षित किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी बी एवं IED सुशि चैताली दास ने 11 अप्रैल को आयोजित समापन समारोह की अध्यक्षता की और 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा बनाने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण पत्र, मशीन और ऊषा साइन बोर्ड प्रदान की। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्यों में महाप्रबंधक CSR सुशि मुनमुन मित्र और ग्राम उत्थान के प्रतिनिधि श्री गुरुप्रसाद महंती शामिल थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल महिलाओं को सिलाई में कुशल बनाना है बल्कि दूसरों को प्रशिक्षित करने और उनका उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाना है। बुनियादी सिलाई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मास्क की कटाई और सिलाई, महिलाओं के वस्त्र, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए स्कूल वर्दी और फैंसी हैंडबैग शामिल थे। इनमें से प्रत्येक सामग्री को समापन समारोह में प्रदर्शित किया गया। प्रशिक्षार्थियों को सिलाई मशीन प्रदान किया गया ताकि वे अपने आसपास की लड़कियों और महिलाओं को तुरंत प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर सके और अपनी आय को बढ़ाने में मदद कर सके। ग्राम उत्थान और सिलाई ऊषा सिलाई के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है और रणनीतिक रूप से चयन किया गया है ताकि प्रत्येक प्रशिक्षक के पास स्थिर आय के लिए ग्राहकों के मामलों में एक अच्छा क्षेत्र हो। सेल, राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के स्पात जनरल अस्पताल IGH के डॉक्टरों ने ब्लास्ट फर्नेस विभाग से 59 वर्षीय श्री बलेंद्र मिंज जो वेदव्यास के पास एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे उनकी एक जटिल ऑर्थोपेडिक सर्जरी की। दुर्घटना के बाद तेज दर्द, रक्त स्त्राव और मूर्छित अवस्था में रोगी को तुरंत IGH लाया गया। परीक्षण करने पर पता चला कि उनके सीने, कंधे, कोहनी और कलाई के दाहिने हिस्से में कई फ्रैक्चर थे जो कि जीवन और अंग दोनों के लिए खतरा था। एक सप्ताह से अधिक समय तक मरीज को गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया।
स्पात जनरल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एल के बिश्वाल और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संजय कुमार तिवारी, वरिष्ठ परामर्शदाता जनरल सर्जरी डॉक्टर जे आर साहू और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एंथेस्टिक डॉक्टर संयुक्ता पाणिग्रही द्वारा लगातार 4 सर्जरी की गई। विशेष देखभाल और डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम के समर्पित प्रयास से रोगी के उपचार में विभिन्न चरणों में सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में मदद मिली। श्री मिंज और उनके परिवार ने IGH के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री निताई पालित। श्री नित्यानंद पालित, जिन्हें निताई पालित के नाम से जाना जाता है, का जन्म 8 मार्च 1923 को कटक में हुआ था। वे एक विशाल नाटककार थे। उनके नाटकों को उनके नवाचार के लिए पहचाना गया और उन्होंने सदियों पुरानी तकनीकियों से एक ब्रेक प्रदान किया। वर्ष 1954 में उन्होंने प्रसिद्ध नाटककार मनोरंजन दास के साथ संयुक्त रूप से एक फिल्म केदार गौरी का निर्देशन किया। वर्ष 1955 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से कई फिल्मों, वृत्तचित्रों और टेलीफिल्मों का निर्देशन किया और फिल्म और वृत्तचित्रों के लिए लिखित स्क्रिप्ट का निर्देशन किया। वर्ष 1965 में उन्होंने अपनी फिल्म मल्लाहजन में निर्देशन के लिए राष्ट्रपति पदक प्राप्त किया। यह पहली उड़ीसा फिल्म थी जिसे निर्देशन के लिए सिल्वर लोटस से सम्मानित किया गया था और इसे अभी भी क्लासिक माना जाता है। अपने कैरियर के दौरान उन्हें ओडिशा सरकार द्वारा वर्ष 1972, 1975, 1977 और 1982 में 4 बार ओडिशा के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से सम्मानित किया गया। उन्होंने ओडिया सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए वर्ष 1982 में ओडिशा संगीत नाट्य एकेडमी पुरस्कार जीता। वर्ष 1980 में उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस क्रिएटिव मूवीज प्रोडक्शन स्थापित किया और 2 फिल्में अनुराग और रघु अरक्षित का निर्माण किया। उन्होंने 26 जुलाई 1990 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।